हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 SST में आज हम लोग 7 लेसन का जो बचा हुआ पेज था उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है फ्रिजिड जोन। द फ्रिजिड जोन आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। ये फ्रिजिड जोन जो है ये पृथ्वी का एक ठंडा प्रदेश है, ठंडा क्षेत्र है। दीज आर कवर विथ आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये हमेशा सालों भर बर्फों से ढका हुआ रहता है। देयर आर टू फ्रिजिड जोन। यहाँ दो फ्रिजिड जोन हैं, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। इसमें इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, तो साउथ फ्रिजिड जोन, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ फ्रिजिड जोन जो है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में स्थित है, वाइल द साउथ फ्रिजिड जोन इज लोकेटेड बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। और साउथ फ्रिजिड जोन जो है आपको एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। क्लाइमेट फ्रिजिड जोन की क्लाइमेट देखिए, द फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ देयर बिग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर। तो फ्रिजिड जोन वहाँ ठंडे क्लाइमेट जलवायु होती हैं, क्योंकि अब देयर बिग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर, इक्वाटर से बहुत ही दूर होता है। द रिसीव द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एंड रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं बहुत ही स्लांटिंग होती है, तिरछी होती है, इसलिए सालों भर वहाँ ठंड रहती है। द रेनफॉल इज स्केंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट मोस्टली इन ए फ्रोजन स्टेट। रेनफॉल भी बहुत कम होता है एंड वाटर इज प्रेजेंट मोस्टली इन फ्रोजन स्टेट, कि वैसे प्रदेशों में, वैसे राज्यों में पानी की मात्रा अधिक होती है। द आर्कटिक सर्कल इज कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ आइस। आर्कटिक सर्कल जो होता है मोटे बर्फ के परतों से ढकी हुई रहती है, जिसको कि आइस कैप कहते हैं। द पोलर रीजन एक्सपीरियंस 6 months ऑफ कंटिन्यूअस डे टाइम एंड 6 months ऑफ कंटिन्यूअस नाइट ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। पोलर रीजन जो प्रदेश है वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात लगातार जो है वो पृथ्वी एक्सिस के टिल्ट रहते हैं। This sometimes the night sky in the polar region, कभी कभी night sky जो होती है polar region के, lit up by natural occurring bright light। तो ये natural के कारण जो है बहुत ही चमकीला हो जाता है। This light is caused by the collisions ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन्स एटमोसफेयर एट ए ग्रेट हाइट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। तो इस कारण से सूर्य के प्रकाश से वहाँ के एटमोसफेयर, उस वहाँ के पार्टिकल जो हैं वो बहुत, उनका तापमान जो है ऊंचा हो जाता है, ये पृथ्वी के तापमान से ऊंचा हो जाता है। इट इज नॉन एज औरोरा
ब्रॉयलीस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाज ऑस्ट्रालाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। वेजिटेशन वहाँ की वनस्पतियाँ वेजिटेशन, द सॉयल इज परमानेंटली फ्रोजन एक्सपर्ट इन समर सीजन। वहाँ की मिट्टी हमेशा के लिए जमी रहती हैं समर सीजन में, गर्मी के दिनों में। दस क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रो हार्ड, तो ऐसे वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत ही कड़े, एंड ओनली द वेरी स्ट्रॉन्ग वंस और सर्वाइव, और बहुत ही वो मजबूत होते हैं। व्हेन द स्नो फॉल्स इन समर, जब गर्मी के दिनों में बर्फों की बारिश होती है, सम सब सच एज मोइसेस लीचेन एंड ग्रास ग्रो, तो वैसे प्रदेशों में सर्व्स और मांस से जो है और घास उस भी आ जाते हैं ठंडे के कारण। वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ जो है ए फ्यू एनिमल सच एज रिमाइंडर रेंडियर, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि रेंडियर हैं, कैरिबो है, बियर फॉक्स है, हियर एमाइन मस्क एंड ऑक्स विच हैव एडप्टेड देमसेल्फ टू द सर्व कोल्ड आर फाउंड हियर। तो वैसे ठंडे प्रदेश में ठंडे क्षेत्र में इस तरह के वहाँ जानवर पाए जाते हैं। सम बर्ड्स सच एज आर्कटिक टर्न एंड स्नोवी आउल आल्सो इनहैबिट द रीजन। वहाँ ऐसे पक्षी जो कि स्नोवी आउल होते हैं, बर्फीली तरह उजले उजले जो उल्लू होते हैं, वैसे प्रदेश में होते हैं। दिस एनिमल सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड, उनके लिए रहने के लिए ठंडे जगह की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑफ ए थीक वाइट कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडी। वैसे पक्षी को मोटे सतह होती हैं उनके ऊपर, कोट की तरह बाल होते हैं उनके शरीर पे, पंख होते हैं। वेन द स्नो मेल्ट द कॉलर्स ऑफ देयर फर चेंज टू ग्रेइश ब्राउन, और जब वो बर्फ़ पड़ता है, बर्फ पिघलता है, तो उनके कलर में भी उन पक्षियों का बदलाव हो जाता है, उनकी कलर ब्राउन की हो जाती है। द चेंज कैमोफ्लाज द एनिमल अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्लेंटी ऑफ फिशेज व्हेल्स सील्स एंड वालरस आर आल्सो फाउंड हियर। तो वैसे वहाँ कुछ जानवर ऐसे मिलते हैं, पक्षी वो हैं जिसकी कम मात्रा में मछलियाँ व्हेल ये सब पाई जाती हैं। ह्यूमन लाइफ, लाइफ इज वेरी हार्श एंड डिफिकल्ट हियर, वहाँ लोगों का जीवन बहुत कठिनमय होता है। सो वेरी फ्यू पीपल चूज टू लिव इन दिस जोन, इसलिए बहुत कम ही लोग वैसे क्षेत्रों को रहने के लिए चूज करते हैं। इन द आर्कटिक वी फाउंड इनोट्स हु हैव एडेप्टेड देमसेल्फ टू हार्श कंडीशन, हीटिंग ट्रैपिंग ऑफ एनिमल, जानवरों के लिए गर्मी, एंड रेंडियर्स हर्डिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द इनोट्स। तो इनोट्स जो वहाँ जो लोग रहते हैं वैसे क्षेत्रों में, उनको इनोट्स बोलते हैं, वो उनका पेशा है, धंधा है जो कि रेंडियर को पालना। देयर आल्सो कैच फिश लाइक सेलमोन, मछली पकड़ना, सेलमोन, आर्कटिक चैन एलोंग द कोस्ट। ईयरलियर द इनोट्स वी नॉन एज स्कीमो, इनोट्स को हम लोग स्कीमो के नाम से भी जानते हैं। एंड लिव्स इन हाउसेज कॉल्ड इग्लू, जो कि
इग्लू में रहते हैं जो बर्फों से बना हुआ रहता है, विच वे आर मेड ऑफ आइस, जहाँ बर्फ से बनता है, दे यूज टू हंट वेल्स सेल एंड वालरस ऑफ हार्पूंस, दे आर स्पेयर्स टाइड विथ लेदर रोप्स, बॉज एंड आरो, धनुष और तीर, तीर कमान लेकर के, एंड होल वेल बोन वे आर ऑल्सो यूज फॉर हंटिंग, वेल मछली की जो हड्डी होती है शिकार करने के काम में वो लोग यूज करते हैं, दे वुड हंट दीज स्मॉल एनिमल्स इन स्मॉल बोट्स, और वे लोग छोटे छोटे जानवरों को भी मारते हैं स्मॉल बोट्स नॉन एज कायक्स, जिसको कायक्स बोलते हैं। मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द लाइफ्स ऑफ इनॉट्स सिंस दे नो लंगर यूज हार्पून बट हैव स्टार्टेड यूजिंग रिफाइल्स टू हंट एनिमल, और वैसे वैसे औजार लेकर के लोग जो हैं छोटे छोटे जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, दे आल्सो हैव स्टार्टेड लिविंग इन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ इग्लू, उसके बाद वो लोग इग्लू में रहना शुरू कर दिया। देर आर अदर पीपुल सच लैब्स फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया एंड सोमैड सैमोयाड्स एंड याकूट्स फाउंड इन साइबेरिया, तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर ए का टिक द करेक्ट ऑप्शन, वन में लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डिजर्ट, नंबर टू इट इज ए नोमैडिक ट्राइब ऑफ हॉट डिजर्ट, राइट आंसर टॉर्ज, हाउसेज मेड ऑफ स्नो एंड आइस आर नॉन एज इग्लू, राइट आंसर इग्लू, नंबर फोर द स्मॉल बोट्स यूज बाय इनॉट्स आर कॉल्ड कायक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आप ध्यान देंगे। वन नंबर क्वेश्चन, समटाइम्स द नाइट स्काई इन द पोलर रीजन इज लिट अप बाय नेचुरली अकॉर्डिंग ब्राइट लाइट, लाइट द लाइट इज कास्ट बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन एटमोस्फेयर ए ग्रेट हाई ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, क्वेश्चन नंबर टू आंसर, नो वेजिटेशन इन फ्रिजिड जोन बिकॉज फ्रिजिड जोन आर the coldest region of the earth, they are covered with ice and snow throughout the year, question number 3 answer, the camel is the most important means of transport in the desert, the humps of the camel can store excess fat and water, they can eat thorny plants, their silk nose trill and heavy eyes protect the from heavy sand storm. Number question number 4 answers, Sahara and Kalahari, third desert, Great Australian Desert, etc. तो ये आपका question number रहा B. क्वेश्चन नंबर सी पे ध्यान देंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम, बेडोइंस, वन नंबर नॉर्थ अफ्रीका, बोबैक्स, टू नंबर सी डिजर्ट, पेंगुइंस, थ्री नंबर डी अंटार्कटिका, स्कीमोज फोर नंबर, राइट आंसर ई इग्लू, सैमोयाड्स
फाइव नंबर राइट आंसर साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स। माइनिंग इज तो फिल इन द ब्लैंक्स डी में आप देखेंगे पेट्रोलियम माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन डिजर्ट। वन नंबर में पेट्रोलियम आप लोग भर लेंगे और टू नंबर ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन द सहारा डिजर्ट। नंबर थ्री द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन अंटार्कटिक एंड साउथ पोल। नंबर फोर द आर्कटिक सर्कल इज कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ आइस कॉल्ड आइस कैप। क्वेश्चन नंबर ई, नेम द फॉलोइंग। द हॉटेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा, लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन द सहारा डिजर्ट ऑस्ट्रिच, द नोमाडिक ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका बेडोइंस, इट इज अ बर्ड दैट इनहैबिट द फ्रिजिड जोन स्नोवी आउट। क्वेश्चन नंबर एफ, तो एफ में हम लोग देखेंगे गिव रीजन फॉर फॉलोइंग। द पोलर रीजन एक्सपीरियंसेस सिक्स मंथ ऑफ कंटिन्यूअस डे एंड सिक्स मंथ कंटिन्यूअस नाइट टाइम ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। नंबर टू, हॉट डिजर्ट हैव ट्रीज एंड शॉर्ब्स विद लॉन्ग रूट्स ड्यू टू द डीप इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। नंबर थ्री, डेट पाम आर वेरी यूजफुल फॉर पीपुल ऑफ द डिजर्ट बिकॉज पीपुल ईट द फ्रूट्स एंड फीड दियर सीड टू द केटल एंड मेक रोब्स। नंबर फोर, द नाइट स्काई इन द पोलर रीजन इज लिट अप बाय नेचुरली अकरिंग ब्राइट लाइट। दिस लाइट इज कॉज्ड बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन एटमोस्फेयर एट अ ग्रेट हाइट ऑल एट द अर्थ एटमोस्फेयर। स्नोवी, नंबर फाइव, स्नोवी आउल कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड बिकॉज ऑफ द थिक वाइट कोट ऑफ फर एंड दियर बॉडी। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। अब अगला लेसन अगले दिन होगा, तब तक के लिए थैंक यू।